एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ व्हाट आई ईट इन ए डे। तो सबसे पहले मैं बनाती हूँ अपना ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में आज मैं बनाऊँगी साबूदाना की खिचड़ी। तो यह मैंने कढ़ाई ले ली है और गैस को जला दिया है, और मैंने पैन में डाला है एक दो चम्मच देसी घी। तो मैं खिचड़ी देसी घी से बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी लगती है, आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, जब जैसे ही घी मेल्ट हो जाता है और गर्म हो जाता है, तो मैं इसमें थोड़े से पीनट्स, उनको रोस्ट करूँगी, सॉरी फ्राई करूँगी, और इनको मुझे एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है, और उसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी। तो पीनट्स मेरे हो गए हैं, और उसके बाद मैंने यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में आलू को कट करके रखा है। ये कच्चे आलू हैं और मुझे इन्हें इनको भूनना है। तब तक मैं इनको भूनूंगी जब तक ये गोल्डन से, येलो येलो से ना दिखने लगे, क्रंची क्रंची से हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा आता है टेस्ट इनको खाने में। और ये देखिए भुन गए हैं, अब मैं इनको भी निकाल लूँगी। अब इसके भुन जाने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा जीरा और कटी हुई हरी मिर्च, और साबूदाने मैंने लिए हैं जो मैंने रात भर सोख करके रखे थे। सोख होने के बाद एकदम ये खिले खिले साबूदाना तैयार है। तो अब मैं इनको डाल दूंगी और इन सब चीज़ों को मिक्स कर दूंगी। इनको मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी नमक। नमक आप लोग अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने करीब 2 चम्मच नमक डाला है, और अब मैं इसको मिला दूंगी। इनको मिलाने के बाद और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर। तो अब मैं इनको मिला दूंगी, और उनको मिलाने के बाद मैं इसमें डालूंगी हरा धनिया। हरे धनिया से एक तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखने लगती है, और खाने में टेस्ट अच्छा आता है, और महक अच्छी आने लगती है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी जो मैंने पीनट्स और आलू को भून के रखा था, उनको मैं इसमें डाल के मिला दूंगी। ऊपर से डालने से इसका क्रंचीनेस बरकरार रहता है, और खाने में और भी टेस्टी लगती है खिचड़ी। तो ये खिचड़ी बनके तैयार है। तो ये है मेरा आज का नाश्ता। तो मेरी खिचड़ी बनके तैयार है, अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब बारी आती है लंच टाइम की। तो लंच में आज मैं बनाऊंगी क्विक आलू टमाटर की सब्जी, जो बहुत ही जल्दी बन जाएगी, क्योंकि मैं इसको प्रेशर कुकर में बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने आलू को काट लिया है, टमाटर, हरी मिर्च और अपना स्पाइस बॉक्स निकाल के रख लिया है, और मैं बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने कुकर में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, ऑयल को गर्म कर देंगे। ऑयल को गर्म होने के बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा जीरा और कटी हुई हरी मिर्च, कटी हुई हरी मिर्च और जीरे को अच्छे से भून लेंगे। उसको भूनने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर। तो मैंने यहाँ एक स्मॉल साइज़ का टमाटर लिया है, और अब मैं इनको मिला दूंगी। मिलाने के बाद इसको हल्का सा पकने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दूंगी, टर्मेरिक पाउडर, और थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर। और धनिया पाउडर मैंने थोड़ा ज़्यादा सा लिया है, थोड़ी सी लाल मिर्च, और इन सबको अच्छे से मिला दूंगी। फिर इन सबको अच्छे से मिलाने के बाद टमाटर जो हैं थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं, और अब मैं इसमें डाल दूंगी ये आलू जो मैंने क्यूब्स में काट के रखे हैं, और इनको भी अच्छे से इसी में मिला के भून लूंगी थोड़ी देर। थोड़ी देर भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी, सॉरी नमक। तो नमक आप टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, और नमक को डालने के बाद इसको भी अच्छे से मिला देंगे। मिलाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो पानी मैंने यहाँ पे करीब आधी गिलास यूज किया है, आप अपनी क्वांटिटी के अनुसार मिला सकते हैं, जितना भी आप ग्रेवी पसंद करते हैं ठीक उसी हिसाब से। तो यहाँ मैंने सिर्फ आधी गिलास पानी डाला है, और कुकर का ढक्कन बंद करके रख दिया है। तो फ्रेंड, यहाँ पे विशल आने वाली है, तो विशल जैसे ही आ जाएगी उसके बाद मैं गैस को बंद कर दूंगी। तो यहाँ गैस बंद करने के बाद हमारा कुकर है वो ठंडा हो चुका है, और कुकर खोल के देखा तो मैंने कि आलू की सब्जी है वो बन चुकी है। तो देखिए आलू की सब्जी एकदम परफेक्ट बनके तैयार है। और अब हम इसमें डाल देंगे कोरिएंडर लीव, धनिया पत्ती, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत खूबसूरत लगती है, और थोड़ी सी एक पिंच गरम मसाला, और उसको ढक देंगे। तो गरम मसाला डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पराठे भी तैयार है, सब्जी भी तैयार है। अब मैं लगा लेती हूँ अपनी लंच की थाली। तो यहाँ मैंने आलू की सब्जी है वो भी मैं निकाल ली हूँ कटोरी में,
और इसको मैं थोड़ा सा हरी धनिया से गार्निश कर दूंगी ताकि काफ़ी खूबसूरत लगे देखने में। और यहाँ मैंने रख लिए हैं अपने लिए दो पराठे। तो फ्रेंड ये था मेरा आज का लंच और थोड़ा सा रख दिया है अचार, अचार से खाली और भी खूबसूरत लगती है। तो फ्रेंड यहाँ मेरी लंच हो गया कम्प्लीट, अब बारी आती है डिनर की। तो फ्रेंड्स डिनर में मैं बनाने वाली हूँ बेसन। तो ये एक बुंदेलखंडी रेसिपी है, तो मैं बुंदेलखंड में मेरी शादी हुई है तो ये मेरी सासू माँ बुंदेलखंड में बनाती थी रेसिपी, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैंने बेसन को घोल लिया है, उसमें नमक मिर्ची और हल्दी मिला दी है और उसके बाद मैंने कढ़ाई ली है, उसमें डाला है तेल, हरा धनिया और थोड़ी सी राई। और डाई डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी और डाल दी है। उसके बाद जो मैंने ये बैटर घोल के रखा था बेसन का वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अब मुझे इसे लगातार चलाते रहना है और ये धीमी धीमी आंच में पकाना है और उसके बाद ये धीरे धीरे गाढ़ा होने लगेगा। तो इसको गाढ़ा होने के साथ साथ इसको धीमे धीमे आंच में पकाना भी है और आसपास जो लग जाता है कढ़ाई में उसको हटाते भी रहना है। तो ये जो बेसन है काफ़ी गाढ़ा बनता है, जब हम इसको डालते हैं कढ़ाई में तब ये कम दिखता है लेकिन ये पकते पकते बहुत ही ज़्यादा दिखने लगता है। तो फ्रेंड देखिए ये कितने अच्छा सा बन पक के तैयार है। तो यहाँ मेरा बेसन है वो भी बन के तैयार हो चुका है। तो अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और हरी धनिया से इसको गार्निश कर दूंगी और अच्छे से मिला दूंगी। तो बेसन बन के तैयार है, तो अब मैं वह लगा लेती हूँ अपनी थाली। तो यहाँ मैंने लिया है एक कटोरी में बेसन और उसको हरे धनिया से थोड़ा सा गार्निश कर दिया है और गार्निश करने के बाद मैंने यहाँ लिए दो रोटी, थोड़ा सा अचार। तो ये है फ्रेंड आज का मेरा डिनर। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वो भी बेल आइकन के साथ में। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।